कहानी है राधा की, दो आंसू भी बहा रही हूँ। शादी का आइडिया बहुत ही यंग एज में ड्रॉप हो गया। बांटने को सबको बांट दूं पैसा, लेकिन खुद जब जाना होगा तो बसों के धक्के खाते हुए जाती थी। जिंदगी में आसपास आपके चेहरे कैसे होते हैं, कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ में। मैंने अपने लिए लोगों से प्यार को खरीदना शुरू कर दिया। बुढ़ापा आ रहा था, ये छोटे छोटे काम, सोच हर इंसान को रखनी पड़ती है। मैं अपने आप को खुद ही कोसने लगती थी, तब ना आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। क्या मैं दिल की इतनी बुरी थी? लेकिन मेरी सेवा होती रहे। ये मकान मेरे बाद तुम लोगों का है। उम्र हो गई 80 से 90 साल। चलो चौथा और आखिरी अध्याय, सत्यनारायण पूजा का नहीं, इस राधा की जीवनी का। राधा 90 साल की हो चुकी थी। हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका था, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी घर में अकेली रहती थी, खुद खाना बनाती थी। बाई आती थी काम वाम करके, झाड़ू पोछा बर्तन। 90 साल की औरत को जब कोई अकेला देखता है रहते हुए, तो उसे भी पता है कि ये कितना बोलेगी बुढ़िया, कौन सुनता है 90 साल की बुढ़िया की। तो ठीक है, काम चल रहा था, सारा दिन बैठे रहना, कोई बात करने वाला नहीं, दिन में मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए यही जो अपने भतीजे थे ये आ जाते थे। भाई भी बूढ़ा हो गया, बहनें भी बूढ़ी हो गई, वो भी कभी लटकते लटकते मटकते मटकते आ जाते थे। 90 साल की उम्र में ऐसी फिसल गई बाथरूम में, और ये जो बाथरूम में फिसलना था, इसने पहली बार लाइफ में मेरे को उस सिचुएशन में डाल दिया जहाँ मैं हिलने की हालत में नहीं थी। हड्डी टूट गई बेड पर। अब स्टेज आती है ना सेवा करने वाली, कौन सेवा करेगा? मन में सोच रही थी कि अभी तो हॉस्पिटल में हूँ, प्लास्टर चढ़ा हुआ है और काम चल रहा है, जैसे घर जाऊंगी तो कौन आके मेरी सेवा करेगा या कौन मुझे अपने घर में लेके जाएगा? ये दोनों भतीजों के नाम मैंने कर तो दिया सब कुछ, क्या ये मुझे लेके जाएंगे अपने घर में, सेवा करेंगे मेरी? इतना तो मैं भी समझ पा रही थी उनके हाव भाव से कि वो भी इसी पशुपेश में थे। बाप रे, अब क्या होगा? कहीं ना कहीं ये मुझे उनकी नज़रों में देखना शुरू हो गया था। राधा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई भगवान से कह रही थी, हे रब्बा, तूने मेरे को जैसी भी ज़िंदगी दी, कम से कम मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मेरे को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रखा और मेरे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखा, तो मैं अपनी लाइफ को 90 साल की उम्र तक चला के आ गई। लेकिन रब्बा, अब जो तूने मेरे को बेड पे डाला है, मेरे पे रहम कर, या तो मेरे को अपने पैर पे खड़ा कर दे। अगर नहीं कर सकता तो ठीक है, 90 साल की उम्र बहुत होती है, मैं जी ली अपनी ज़िंदगी, उठा ले, कष्ट मत देना मेरे को, ऐसा कष्ट मत देना जहाँ मैं बिस्तर पे लेटे हुए लोगों की गाली खाती रहूँ और खुद भी उस गंध में पड़ी रहूँ। नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। तो रब्बा, तेरा बहुत शुक्राना जो तूने मेरी बात को सुना, और इसीलिए आज मेरी रूह यहाँ खड़ी हुई अपनी उस मृत देह को देख रही है, अपने शरीर को, बेजान शरीर को देख रही है, और उसके पास आस पास वो सारे नकली चेहरे। अभी तो मेरी रूह को यहाँ रहकर ये देखना था कि असली तमाशा कब शुरू होता है, तो असली तमाशा अब शुरू हो रहा था। दाह संस्कार तो कर दिया, वो क्या कहते हैं ना,
उठाला भी हुआ, चौथा, फिर 12वां दिन होता है, 12वां भी हुआ, सब कुछ हुआ। दावेदार सारे इकट्ठा हो गए थे, कौन नहीं था ये पूछिए। राधा ये देखना चाहती थी कि ये सब लोग, ये सब कुछ छोड़ के गई हूँ जिनके लिए, या जो मेरे सगे भाई बहन थे, क्या जिंदगी भर में मैंने उनको गलत एनालाइज किया? क्या वो वाकई में मुझसे प्यार करते थे लेकिन मैंने उनको गलत समझा? आज मुझे ये सब कुछ देखना था। तमाशा शुरू होता है। पहला तमाशा, घर के अंदर जो जेवर हैं वो सारे बराबर बटेंगे, सब इकट्ठे हो गए मेरी जायदाद में हिस्सा लेने के लिए। आपस में खूब लड़ाइयाँ करी, ये मेरा ये मेरा, ये मकान इन दोनों का कैसे हो सकता है, असली हकदार तो हम हैं। सारे के सारे इकट्ठा हो गए, जिनके नाम से मैं रख के गई थी और जो मेरे लीगल हीयर्स जिन्हें कहते हैं, जिनमें भाई भतीजे सब आते हैं, आपस में दो गुट बन गए। दोनों गुटों में लड़ाई शुरू हो गई कि भाई इसमें तो हमारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। आपस में बैठे, बहुत कोशिश करी, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, कोई नहीं माना, क्योंकि ये तो तय हो गया था कि जिस मकान में मैं रह रही थी उस मकान को इन्होंने बेचना है। हालांकि मेरी उनसे गुजारिश थी, मैं जब तक ज़िंदा थी तब तक मैं उनको यही बोलती रहती थी कि ये नीचे वाला मकान है, ग्राउंड फ्लोर वाला मकान है, इसको छोड़ देना, तुम ही लोगों के लिए है, परिवार में बूढ़े हो रहे हो, किसी का ऊपर चौथे फ्लोर पे मकान है, किसी का तीसरे फ्लोर पे मकान है, किसी को भी बुढ़ापे में लगता है कि वो इतनी ऊपर तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, बिना लिफ्ट की बिल्डिंग है, तो इस मकान में शिफ्ट हो जाना, ये मकान रखे रखो अपने परिवार के लिए ही। लेकिन किसको समझ में आनी थी मेरे जिंदगी से जाते ही सब लोगों का लालच बढ़ गया, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए था। ऐसे नहीं माने, आपस में बैठक करके नहीं माने, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में लड़ते रहे लड़ते रहे, दोनों गुट अपने वकीलों को पैसे देते रहे। अल्टीमेटली एक बार जज ने अपने जब हियरिंग में बोली दिया, देखो भाई या तो बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो खुद ही जाके, वरना यहाँ पे चक्कर लगाते रहो, इतनी आसानी से यहाँ पे तुम्हारा डिसीजन होने वाला नहीं है। बाद में जाके समझ में आई, खूब सारे वकीलों को जब दोनों गुट ने पैसे दिए उसके बाद अक्कल आई, फिर जाके सारे साथ में बैठे और कहीं ना कहीं किसी कंसेंसस पे तुम इतना तुम इतना तुम इतना ले लो, ऐसे करके आपस में बात हुई और हिस्से बांट के सब लोगों ने पैसे को ले लिया। मेरी रूह बैठी तमाशा देख रही, वाह क्या सीन है। कोई जेब में 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, ये डाल के खुश, ऐसे जैसे कि पता नहीं कौन सी दुनिया की उनको लॉटरी लग गई हो। भाई लॉटरी तो थी ही उनके लिए, पर देखना मुझको ये था कि ऐसा कमाया हुआ धन इनमें से किनको भलता है। रूह ढूंढ रही थी कि क्या ऐसा होता है कि ऐसा कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं निकल जाता है, सुना तो बहुत था, नज़र आना शुरू हो गया। हालांकि ये बात बोलते हुए मुझको कोई खुशी नहीं हो रही, क्योंकि थे तो सारे मेरे भाई भतीजे ना, मैं तो उनको दिल से प्यार करती थी ना, भाई भतीजे भांजे भांजियाँ थे तो सारे मेरे अपने ना, मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा, मैंने हमेशा उनको प्यार ही दिया। ये दूसरी बात थी कि जब मुझे प्यार नहीं मिला तो मैंने पैसे से प्यार खरीदना चाहा। तो मेरी रूह इस चीज़ को ढूंढ रही थी कि कैसे ये लोग इस पैसे के साथ में खुश रह सकते हैं या इसको खुशी खुशी स्पेंड कर सकते हैं। चीज़ें जब नज़र आने लगी तो क्या नज़र आता है थोड़ा सा बताऊंगी। किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, बाल बाल बच गए, शायद उनकी नीयत फिर भी साफ थी। किसी ने अपनी बेटी की शादी करी, महीने भर के अंदर वो वापस आ गई, जो पैसा शादी के लिए ऐसे लालच करके लिया गया था
वो सारा पैसा वहीं लालच में निकल गया। तो किसको खुशी मिली ऐसा पैसा लेके? राधा की कहानी यहाँ ख़त्म करें? ऐसी पता नहीं कितनी राधाएं होंगी या ऐसे कितने और इंसान होंगे। मेरे ख्याल से हम सब लोग इस दुनिया में जो आए हैं कोई ना कोई एक स्टोरी साथ में लेके आते हैं। चलो मैं तो सबको दुआ ही देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें। और अब जब मैंने इस दुनिया के लोगों के असली चेहरे सब कुछ देख लिया, तो आज इस रूह को भी मैं इस धरती से अलविदा करती हूँ। फिर किसी जन्म में किसी मौके में कभी मिलना हुआ तो फिर कोई नई कहानी बयां करेंगे, ठीक है? चलो अच्छा लगे तो इस कहानी को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी का कॉपीराइट है मधुज जो दिल कहे के पास।